यहाँ बात करेंगे पार्लियामेंट में मौजूद चूहों की, जिन्होंने अराकीन को भी काटना शुरू कर दिया है। कायमा कमेटी इंसानी हुकूक के इजलास में मेंबरान का कहना था कि पार्लियामेंट लॉजेस चूहों का मस्कन बन गया है। कौमी असेंबली की रुकन मुसरत रफी कहती हैं, मुझे चूहे ने काटा, 3 माह तक वैक्सीन लगवाई है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे गौहर मसूद से। गौहर मसूद, बताइएगा और क्या कहा गया? गौहर से हमारा राबता मुनकता हुआ है। आपको बताएं कि पिशावर के बाद चूहों ने रुख कर लिया है इस्लामाबाद का, जहां अराकीन को चूहे काटते हैं। कायमा कमेटी इंसानी हुकूक के इजलास में मेंबरान का कहना था कि पार्लियामेंट लॉजेस चूहों का मस्कन बन चुका है। इसी पर बात करेंगे गौहर मसूद से। गौहर, और क्या शिकायत की है पार्लियामेंटेरियंस ने? हाँ जी बिल्कुल, आपको बताता चलूं कि इंसानी हकूक के हवाले से जो कमेटी का इजलास अभी भी जारी है, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस ने चूहों के हवाले से बहुत ही रोना दोना शुरू कर दिया। बताया गया कि चूहों ने उनका जीना हराम करके रख दिया है। यहाँ तक कि किरण नामी रुकने पार्लियामेंट ने ये बताया कि उनको काटा गया है, जबकि दूसरे पार्लियामेंटेरियंस बता रहे हैं कि उनके घर की जितनी भी चीजें होती हैं उसमें कभी चूहे बैठ जाते हैं, कभी खाने की चीज कोई महफूज नहीं होती है, आगे पीछे चूहे लॉन में भाग रहे होते हैं। इसी पे सीडीए हुकाम की अच्छी खासी क्लास ली गई। चेयरमैन ने हिदायत की है कि चूहों के हवाले से इकदाम उठाए जाएं और इन इकदाम की डिटेल्स आइंदा इजलास में पेश की जाएंगी। जी शुक्रिया गौहर मसूद।